सो गाइज, जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर मल्टी ऑर्डर कुछ इस प्रकार से साइन होता है। यहाँ पर लिखा रहता है टू पिकअप्स, यानी आपके पास मल्टी ऑर्डर आ गया है आपके जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर। इसके अलावा मल्टी ऑर्डर का आपको कितना पैसा मिलेगा और ये ऑर्डर किस होटल से आपको पिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सेप्ट ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद जो भी रेस्टोरेंट का नाम लिखा रहता है तो उसके सामने यहाँ पर उसका फ़ोटो रहता है कि वो रेस्टोरेंट या फिर होटल देखने में कैसा दिखता है। तो आप उसका थीम यहाँ पर फ्रंट देख सकते हो बड़े आराम से, 4 से 5 फ़ोटो यहाँ पर लगी रहती है। उसके बाद आपको बैक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टी ऑर्डर का साइन यहाँ पर देख सकते हो व्यू डिटेल पर। सबसे पहले वन ऑर्डर किस होटल से पिक करना है उसका नाम आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर किस होटल से पिक करना है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद वन ऑर्डर किसका है उस कस्टमर का नाम आ जाएगा और सेकंड ऑर्डर किसका है उस कस्टमर का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं बैक, गो बैक पे क्लिक, तो हम डिलीवरी एप्लीकेशन पर फ्रंट में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यानी कि रेस्टोरेंट की डिटेल मिलेगी कि रेस्टोरेंट कहाँ पर है, तो आपको सबसे पहले रेस्टोरेंट पर चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर देखिए आपको पहुँचकर रीच्ड पिकअप लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ फ़ोटो में। देखिए यहाँ पर मेरे सामने होटल है जहाँ से ऑर्डर को हमें पिक करना है यानी ऑर्डर को लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पर ऑर्डर को ले लिया है। उसके बाद आपको जोमैटो एप्लीकेशन में आपको ऑर्डर पिक करना है, इस प्रकार से पिक कर लेना है और होटल को आपको रेटिंग कर देना है कि होटल आपको अच्छा लगा है। उसके बाद देखिए अब सेकंड यहाँ पर ऑर्डर आपको पिक करना है दूसरे होटल से, यानी कि आपके पास दो ऑर्डर का ऑर्डर आया हुआ है और यहाँ पर उसका फ़ोटो आपको नज़र आएगा कि वो होटल या फिर रेस्टोरेंट कैसा है देखने में, उसका थीम यहाँ पर आपको शो होगा तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है यानी होटल के पास जहाँ से आपको सेकंड ऑर्डर पिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं डिस्काउंट पिज़्ज़ा यानी सेकंड होटल के पास। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर होटल है जहाँ से हमने सेकंड ऑर्डर को पिक करना है। सेम आपको भी ऐसे करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमने ऑर्डर ले लिया है और सबसे पहले हम रीच पिकअप सेकंड लोकेशन पर क्लिक करेंगे ताकि जोमैटो को पता चल जाए कि हम होटल के पास हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्डर रेडी हो चुका है और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग चुका है। ओके, आई एम पिकिंग, मैंने ऑर्डर ले लिया है। तो आपको भी सेम ऐसे करना है, यानी कि ऑर्डर आपके हाथ में है तभी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब मेरे हाथ में ऑर्डर आ चुका है, जैसे आप देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा का सेकंड ऑर्डर था, ये मैंने ले लिया है। और उसके बाद ओके आई एम पिकिंग यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा, इससे कंपनी को और कस्टमर को पता चल जाएगा कि मेरा ऑर्डर पिक कर लिया है। उसके बाद मैं होटल को यहाँ पर रेटिंग करूँगा कि होटल बहुत अच्छा था और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। सेम आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कस्टमर का नाम आ चुका है अर्पिता चावला, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो हमने लिया था फर्स्ट रेस्टोरेंट से, सबसे पहले हमने कड़ी गोपाल कड़ी चावला होटल से, तो वहाँ पर वो ऑर्डर हमने लिया था। तो अब अर्पिता कल्पना चावला पर वो ऑर्डर डिलीवर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यू और डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑर्डर ग्रीन हो चुके हैं, हमने दोनों ऑर्डर पिक कर लिए हैं। और ड्रॉप वन पे हमें ये ऑर्डर पहले डिलीवर करना है, ड्रॉप सेकंड पे दूसरा करना है। तो हम बैक आ जाते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर वेरीफाइड लोकेशन लिखी हुई है, तो हम गो मैप पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी कस्टमर का घर है, जहाँ भी कस्टमर ने ऑर्डर मंगवाया है, जहाँ पर वेरीफाइड लोकेशन है, तो सेम आपको वहीं पर छोड़ेगा। तो आप मैप की हेल्प से भी आप कस्टमर के पास जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कस्टमर के पास जा रहे हैं और कस्टमर थोड़ी ही दूरी पर है, 1 मिनट का रास्ता है, 140 मीटर यहाँ पर रास्ता लंबा है। तो आपको भी केयरफुली आराम से बाइक पर जाना है जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आपके सामने और ये लोकेशन अब फिनिश हो चुकी है। उसके बाद हम डन पे क्लिक करते हैं और दोबारा से जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर विजिट करते हैं। उसके बाद देखिए कस्टमर मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले हमें रीच ड्रॉप लोकेशन पर क्लिक करना है,
ताकि पता चल जाए कंपनी को कि हम कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, या फिर कस्टमर को भी पता चल जाएगा उसकी एप्लीकेशन से। उसके बाद देखिए, कस्टमर को मैंने ऑर्डर दे दिया है, अर्पिता चावला का ऑर्डर था। और यहाँ पर देखिए क्या ऑर्डर किया था, वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और यानी कि ऑर्डर अर्पिता चावला ने क्या कुछ ऑर्डर होटल से किया था, और पैसे उसने ऑनलाइन पेड किए हैं खाना के। उसके बाद ये ऑर्डर है कि अर्पिता चावला ने कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑर्डर को डिलीवर करना है कस्टमर के सामने, तो केयरफुली डिलीवर करना है और कस्टमर को रेटिंग कर देनी है कि कस्टमर का बिहेवियर आपको कैसा लगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद अब सेकंड कस्टमर आ गया है, वो सेकंड होटल का जो हमने ऑर्डर उठाया था, पिक किया था। अब हमने देखिए उसके मैप की हेल्प से हम जा सकते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। अगर आपको पता है कि कस्टमर का लोकेशन गलत आपको लग रहा है, तो आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैप में उसका लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। अभी कस्टमर देखिए मुझसे जो है यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 मिनट का रास्ता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि लोकेशन गलत है, तो आप Zomato डिलीवरी एप्लीकेशन से ऑर्डर के दौरान कस्टमर को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कॉल का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि क्या रीज़न है कि आप कॉल करना चाह रहे हो कस्टमर के पास। तो काफ़ी सारे रीज़न है, कोई भी रीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस इज़ रॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया है, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल कस्टमर, तो कस्टमर के पास कॉल लग जाएगी, यानी जिसका ये ऑर्डर है। तो दो नंबर शो होंगे, तो दोनों में से आप किसी एक नंबर पर क्लिक करिएगा, तो कंपनी के माध्यम से वो कस्टमर को कॉल करेंगे और कस्टमर की बीच में आपके थ्रू वो बात कराएंगे, यानी एक सर्वर होता है Zomato का, तो डायरेक्ट नंबर आप नहीं निकाल सकते कस्टमर का। उसके बाद बात करने के बाद आप इसे कॉल को काट सकते हो, और उसके बाद कस्टमर के लोकेशन पर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कस्टमर के लोकेशन पर जा रहा हूँ, मैप की हेल्प से लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, कस्टमर से बातचीत हो गई है। अगर आपको लगे कि कस्टमर यानी कि एड्रेस रॉन्ग है, तो आप कस्टमर को इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँचने ही वाला हूँ, और मैं बाइक से जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए कस्टमर लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ। एक कॉलेज है जहाँ पर कस्टमर ने मुझे बुलाया है, वो स्टूडेंट है, और यहाँ पर वो फ्रंट गेट पर आएगी और अपना ऑर्डर ले जाएगी। तो कस्टमर मेरे पास आ चुका है, और तनीशी बंसल कस्टमर का नाम है, और अब यहाँ पर मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। और सबसे पहले मुझे करना है रीड्रॉप लोकेशन, ताकि कस्टमर को Zomato को पता चल जाए मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। उसके बाद देखिए कस्टमर से मुझे कैश भी लेना है ऑर्डर का, यहाँ पर लिखा है कलेक्ट कैश। तो यहाँ पर मुझे बॉक्स को फिल करना है। सबसे पहले कस्टमर ने मुझको पैसे दे दिए हैं, जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हो, यानी पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, ये 95 रुपीज़ था, और पिज़्ज़ा मैंने उसको दे दिया है। और यहाँ पर मैं बॉक्स में क्लिक करूँगा, तभी ये ऑर्डर डिलीवर होगा। तो कैश मैंने उसको कस्टमर से ले लिया है, और कैश जो है मुझे अपने पास ही रखना है, ऑर्डर डिलीवर कर देना है। तो ऑर्डर यहाँ पर बड़े केयरफुल से डिलीवर आपको करना है, और कस्टमर का बिहेवियर आपको कैसा लगा रेटिंग आपको कर देना है। उसके बाद सबमिट पर आपको नीचे क्लिक करना है, और जो कैश आपको मिला है वो आपको अपने पास रखना है, आपको किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट को नहीं देना है। यह आपकी जितनी भी इनकम होगी वो आपकी सैलरी में से कट जाएगी। उसके बाद इस ऑर्डर का कितना पैसा आपको मिला है यहाँ पर सब कुछ शो होगा। देन आपको गेट नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको अब सेकंड ऑर्डर के लिए आपको किसी भी शॉप रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो जाना है, ताकि आपको नेक्स्ट ऑर्डर आपकी Zomato डिलीवरी एप्लीकेशन पर आ जाए। तो इस प्रकार से आपको मल्टी ऑर्डर आप डिलीवर कर सकते हो कस्टमर के पास जाकर, और होटल से आप पिक कर सकते हो। Thanks for watching.